हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। टुडेज टॉपिक इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। पल्मोनरी का मतलब हो गया अगर ब्लड हार्ट से लंग्स को जा रहा है, ठीक है, और सिस्टमैटिक का मतलब होता है जब ब्लड हार्ट से बॉडी को जाता है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट को अच्छे से इजीली क्लियर कीजिए। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी ये वो मूवमेंट है ब्लड का जो वो हार्ट से दूर जाएगा टुवर्ड द लंग्स, किसकी तरफ, लंग्स की तरफ, एंड रिटर्न टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, और फिर वहाँ से लौट के हार्ट को आ गया, ठीक है, वहाँ से लौट के हार्ट को आ गया। दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसे क्या कहेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर समझे, ब्लड का हार्ट से लंग्स को जाना और लंग्स से लौट के फिर कहाँ आ जाना, हार्ट में फिर से वापस आ जाना, ये कहलाएगा आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहेंगे इसको, पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक को समझे, सिस्टमैटिक कहता है इट इज द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो लेफ्ट वेंटिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो सीधा ऑर्टा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच गया, और वो डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचने के बाद डीऑक्सीजनेटेड हो गया, और डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर से लौट के हार्ट में आ गया, तो उसे कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। जैसे इसको भी हम इस डायग्राम से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, जैसे यहां से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हुआ, हार्ट की किस साइड में आया, राइट साइड में, और राइट साइड से कहां पहुंचा, लंग्स, और लंग्स से होके कहां पहुंच गया, कहां तक आ गया, आपके कहां तक आ गया, फ्रेश होके फिर से हार्ट में। तो ये जो सर्कुलेशन है जो कहां से शुरू हो रहा है, हार्ट से शुरू हो रहा है, सिर्फ हार्ट से देखना है, यहां से नहीं देखें, हार्ट से शुरू हुआ और लौट के लंग्स गया, और लंग्स से लौट के फिर हार्ट में वापस आ गया, ये हो गया ऊपरी ऊपर का हिस्सा पल्मोनरी, और जो नीचे नीचे का पूरा हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक कहते हैं, जो हार्ट से कहां जाएगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन।